आज के आधुनिक युग में जो सबसे बड़ी क्रांति आई है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आई है। एक जमाना था जब लोगों को दूर किसी प्रदेश में बात करनी होती थी तो एक काले भोंपू जैसा टेलीफोन डिवाइस हुआ करता था, और विडंबना ये थी कि वो काला भोंपू 10 में से एक घर में हुआ करता था। लेकिन सन 2003 के बाद तो जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में भूचाल आ गया, वायर फोन वायरलेस फोन बन गए, और अब वर्तमान समय में ऐसा स्मार्टफोन बन गया है जिससे आप न केवल बात कर सकते हैं बल्कि लाइव वीडियो कॉल, स्टिल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, MMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, मेल, ईमेल, फीमेल, हुप्स, आई एम सो सॉरी, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग आदि आदि इत्यादि सब कुछ इंसान के हाथ में मौजूद एक छोटे से स्मार्ट मोबाइल पर एक क्लिक से हो जाता है। इस टेलीकॉम इंडस्ट्री ने मानव इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति तो की है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी अपने पुराने वीडियो में सावधान बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा स्मार्टफोन में कहा था कि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो दूसरा बुरा, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी है। नोटबंदी के बाद तो सरकार ने भी कैशलेस इंडिया बनाने की बात पर जोर दिया, और यही वो टाइम था जब बहुत से ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स, बैंकिंग ऐप्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड का चलन जोरों शोर से आम जनता में प्रचलित हो गया। इस कैशलेस या डिजिटल कैश ने एक नई क्रांति सी ला दी, लोगों को कैश कैरी करने का झंझट ही खत्म हो गया। दुनिया के किसी भी कोने पर या कहीं पर भी बैठे लोग ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, बस, ट्रेन या फ्लाइट टिकट बिना किसी झंझट के स्मार्ट मोबाइल फोन से इंटरनेट के द्वारा करने लगे। इस कैशलेस या डिजिटल कैश के अनेक फायदों ने लोगों के काम आसान कर दिए, जैसे हमेशा कैश कैरी करने का झंझट ही खत्म हो गया, किसी भी लाइन में लगने का झंझट खत्म हो गया, यहाँ तक कि राशन से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों का घर के दरवाजे पर होम डिलीवरी, एनी टाइम कैशबैक और डिस्काउंट आदि इत्यादि। इस कैशलेस या डिजिटल कैश के फायदे की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस कैशलेस या डिजिटल कैश ने एक नई तरह की क्राइम को भी पैर फैलाने का मौका दे दिया है। दुनिया में बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ये लोग विक्टिम को फ़ोन करते हैं और कॉल करने वाला अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर ज़रूरी जानकारी हासिल कर या फ़ोन बंद होने या किसी अन्य सेवा के अचानक बंद होने की सूचना देकर चालू रखने के नाम पर या बैंक में KYC पूरा ना होने की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाने से बचने के नाम पर गुप्त सूचना हासिल करने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद इन तमाम सूचना के आधार पर लोगों के बैंक खातों से पैसे निकाल लेते हैं, या फिर लॉटरी जीतने का मैसेज भेजकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर हजारों रुपए ठगते हैं। ये अपराधी महज 2-3 सवाल पूछकर किसी भी व्यक्ति का खाता देश विदेश के किसी भी कोने में बैठकर खाली कर देते हैं। लेकिन जो उदाहरण हमने अभी आपको बताए, अब लोग इनके प्रति समय के साथ सतर्क हो गए हैं। जैसे जैसे समय बदलता है ये लोग भी फ्रॉड का तरीका बदल देते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग के लिए पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। साइबर अपराधियों ने लोगों से रकम ट्रांसफर कराने का नया तरीका निकाला है। पेमेंट ऐप्स में रकम भेजने के बहाने अपने अकाउंट या वॉलेट में मनी ट्रांसफर कराकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पेमेंट ऐप से होने वाले एक नए तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताएंगे, उससे बचने के उपाय भी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन YouTube द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाली वीडियोज नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार के ठगी के शिकार वो लोग होते हैं जो पेमेंट ऐप जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप आदि का प्रयोग करते हैं। इन दिनों इन प्लेटफॉर्म पर खूब ठगी हो रही है। डिजिटल लेन देन के लिए ये ऐप अब काफी पॉपुलर भी हो चुके हैं। कुछ लोग तो महज शौक या फैशन के तौर पर इनका इस्तेमाल देखा देखी करने लगे हैं, लेकिन उन्हें इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। आगे देखिए कैसे होता है नया फ्रॉड। अंजलि ने OLX वेबसाइट पर अपना पुराना AC बेचने के लिए डाला। कुछ दिन बाद एक खरीदार का उसके पास कॉल आया। कॉल करने वाले शख्स ने मोल भाव करके 10,000 रुपए में AC खरीदने को तैयार हो गया। खरीदने वाले शख्स ने अंजलि को फोन पर कहा कि वो 5,000 रुपए एडवांस में गूगल पे ऐप के जरिए भेज रहा है और बचे पैसे AC डिलीवरी के समय दे देगा। शख्स ने अंजलि के गूगल पे अकाउंट पर एक मैसेज भेजा जिसमें 5,000 रुपए की बात थी।
फोन पर होने के कारण अंजलि ने उस मैसेज को गौर से नहीं देखा और बस 5,000 पर उसका ध्यान गया और पे पर क्लिक कर दिया। अंजलि को उसके अकाउंट से 5,000 रुपये करने का मैसेज आया तो अंजलि ने अपना सिर पीट लिया। वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुकी थी। जाहिर है पेमेंट ऐप पर ठगे जाने वाले अंजलि अकेली इंसान नहीं थी। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, हम आपको बताते हैं। दरअसल इस नए फ्रॉड में ये लोग OLX वगैरह पर लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें फंसाया जा सके, फिर उसका सामान खरीदने की बात कहकर उन्हें फ़ोन करते हैं। जितने का सामान होता है उसकी आधी कीमत ये कहते हैं कि हम एडवांस भेज रहे हैं। मैसेज आते ही ओके करके पिन डालकर बैलेंस चेक कर लेना। सारा खेल ये लोग यहीं खेल जाते हैं। इसके लिए आपको पहले पेमेंट ऐप को समझना होगा। आप पेमेंट ऐप से किसी दूसरे व्यक्ति के पेमेंट ऐप से पैसा लेने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसको रिक्वेस्ट मनी कहते हैं। ठीक वैसे ही उसे पे भी कर सकते हैं। ये साइबर अपराधी पे करने की बजाय रिक्वेस्ट मनी करके लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और पेमेंट ऐप में पैसा ट्रांसफर करने के बहाने रिक्वेस्ट मनी करते हैं। इससे ऐप में एक मैसेज या लिंक आता है। इसके बाद लोगों को कहते हैं कि पैसा भेज दिया है, बस आपको ओके करना है और UPI पिन डालकर बैलेंस चेक कर लीजिए। ऐसा करते वक्त ये अपने शिकार से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और कॉल पर होने के कारण लोग जल्दबाजी में रुपए ट्रांसफ़र करने के रिक्वेस्ट को ध्यान से देखे बिना ही बस अमाउंट देखकर ओके कर देते हैं। साथ ही बैलेंस चेक करने के लिए UPI पिन डाल देते हैं। इससे पैसा लोगों के खाते में आने के बजाय साइबर अपराधी के खाते में पहुँच जाता है। जो लोग समझदारी दिखाते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन 10 में से 4 लोग तो इनका शिकार बन ही जाते हैं। 8 तारीख की सुबह 7:30 बजे मुझे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आता है और वो मुझसे ये कहता है कि सर, जो आपने OLX पे सामान डाला है मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए और मैं उस सामान को ले लेता हूँ। मैं तो नहीं आ पाऊंगा, कोई 3 बंदे आएंगे उस सामान को ले लेंगे। मैंने उसे अपना अकाउंट नंबर नहीं बताया तो उसने बोला कि सर आप अपना गूगल पे अकाउंट नंबर बता दीजिए, क्योंकि गूगल पे एक फोन नंबर होता है। तो मैंने उसे फोन नंबर बताया। अब उसने क्या किया, उस फोन नंबर के थ्रू पहले मुझे 10 रुपए भेजे ताकि ये मेरे से कॉन्फिडेंस वो हासिल कर ले कि हाँ पैसे आ रहे हैं। उसके बाद उसने 5,000-5,000 के जब 2 रिक्वेस्ट भेजे और मैंने उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, वो रिक्वेस्ट मैं बता रहा हूँ पैसे जाने की नहीं थी, पैसे आने की थी। जैसे ही मैंने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया पैसे मेरे अकाउंट से आने की वजह चले गए। जैसे ही ये वाकया हुआ उस बंदे ने अपना फोन काटा और उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और वह मुझसे बोलता है कि आपको 21,000 रुपये भेजे, जबकि उसने मुझे भेजे नहीं थे, वह मेरे अकाउंट से किसी और को भेज रहा था। सिर्फ पे और पेड का अंतर था। मैं उसकी स्थिति को भांप गया क्योंकि पीछे से कहीं ना कहीं उसके कीबोर्ड की आवाज आ रही थी। तभी तक वो रिक्वेस्ट आया एक कि तौफीक रिक्वेस्ट भेजा है कि आप पे कीजिए, ऐसे कुछ ऐसे आया। मैं आपको दे दूंगी स्क्रीन में, आप देख सकते हैं, फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे फ्रॉड करते हैं वो लोग। इसके बाद भले ही आप इसे फोन करते रहिए या कंप्लेंट दर्ज करवाइए, कुछ नहीं होता। पुलिस भी इन्हें पकड़ने में सफल रहती है। ये अपनी लोकेशन वगैरह हर बार बदलते रहते हैं। पैसों को निकालने के लिए लोग गरीब लोगों के खातों का इस्तेमाल करते हैं, जो महज कुछ रुपए के लालच में इन्हें अपना अकाउंट यूज़ करने देते हैं या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट की मदद से छोटे बैंकों में खाता खुलवा लेते हैं। इसलिए इन्हें पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप कुछ कदम तो उठा ही सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम की कंप्लेंट दर्ज करवाना। जिस ऐप के जरिए आपसे धोखाधड़ी हुई है उस पर भी कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए, ताकि आगे किसी और को उस अकाउंट से ना लूटा जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अगर पेमेंट ऐप यूजर UPI पिन डाल देता है और उसके बाद उसके अकाउंट से रकम कट जाती है तो ऐसे में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे में पेमेंट ऐप के यूजर को ही सतर्क रहना होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। इसलिए अगर आप पेमेंट ऐप के यूजर हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आपको बता दें कि हर पेमेंट ऐप को 2 तरह से सिक्योर किया जाता है। पहला MPIN, जिसमें 4 से 6 डिजिट का पिन कोड होता है जिससे आप ऐप खोल सकते हैं, और दूसरा UPI पिन, इसमें 4 से 6 डिजिट का पिन कोड होता है। UPI पिन के बिना तो आप ना ही पैसा भेज सकते हैं और ना ही आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। वहीं किसी से पैसे लेने के लिए आपको किसी भी तरह की पिन कोड की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी पैसे भेजने के लिए या बैलेंस चेक करने के लिए आपको इन दोनों पिन की ज़रूरत होगी ही होगी। पे और रिक्वेस्ट मनी को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब आपको किसी को पैसे भेजने होते हैं तब पे करते हैं, जिसे UPI पिन डालना पड़ता है। लेकिन अगर आपको किसी से पैसे मंगवाने हैं तो आप रिक्वेस्ट मनी करते हैं, जिसमें पिन की ज़रूरत नहीं होती। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पैसे रिसीव करने के लिए आपको OTP की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि सिर्फ भुगतान करने के लिए ही OTP चाहिए।
कई मामले सामने आए जिनमें फ्रॉड करने वाला खुद पैसों को भेजने की बात कहकर विक्टिम से ओटीपी पूछ लेता है और बदले में उसका अकाउंट खाली कर देता है। हो सके तो पेमेंट ऐप के लिए एक अलग ही बैंक अकाउंट रखें और अपने खर्चे के हिसाब से कम ही अमाउंट उसमें रखें, क्योंकि हर पेमेंट ऐप आपके अकाउंट से लिंक होता है और आप एक अकाउंट केवल रखते हैं और किसी भी तरह की ठगी के शिकार बन जाते हैं और आपके सारे पैसे उड़ जाने का खतरा रहेगा। जहां तक हो सके आप बैंक के ऑफिशियल पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी तरह के गलत लेन देन के लिए आप बैंक में शिकायत कर सकें। कभी कोई आपसे कहे कि एनी डेस्क या टीम व्यूअर ऐप इंस्टॉल कर लें तो ऐसा हरगिज मत करना। इन ऐप के जरिए जालसाजी कहीं पर भी बैठकर आपके फ़ोन का एक्सेस तो कर ही लेगा और उसके साथ ही और उसके हाथ में आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल भी चला जाएगा, जिससे वह आसानी से आपके फ़ोन में मौजूद ऐप का यूज़ कर आपके सारे पैसे उड़ा देगा। दरअसल एनी डेस्क ऐप के इस्तेमाल को लेकर रिजर्व बैंक ने भी चेतावनी जारी की है और इस ऐप को डाउनलोड नहीं करने को कहा है। असल में साइबर अपराधी खुद बैंक एग्जीक्यूटिव बनकर फ़ोन करते हैं। कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें गूगल पर मौजूद गलत कस्टमर केयर नंबर पर यूज़र खुद ही फ़ोन करते हैं। इन दोनों ही मामलों में फर्जी बैंक अधिकारी बने साइबर क्रिमिनल्स यूज़र को एनी डेस्क या टीम व्यूअर ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। ऐप के डाउनलोड होने के बाद इन साइबर क्रिमिनल्स को 9 अंकों वाले रिमोट डेस्क कोड की ज़रूरत पड़ती है। ये साइबर क्रिमिनल्स यूज़र से 9 अंकों का कोड मांग लेते हैं। कोड मिलते ही वे यूज़र के मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन को आसानी से देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यूज़र अपने बैंक अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड डालता है, ये जालसाज उसे नोट कर उसके अकाउंट से पैसे उड़ा देते हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना होता है, आप किसी भी तरह के स्क्रीन शेयर वाले ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें। और ज़रूरी बात, कोई भी बैंक आपको कभी भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता। इसके लिए अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो URL में जाकर कंपनी का नाम टाइप करके वेबसाइट खोलें, ना कि किसी लिंक पर क्लिक करके। भले ही ऐसा करने में आपको थोड़ी सरदर्दी महसूस हो सकती है, लेकिन इस छोटे से कदम से आप फ्रॉड का शिकार होने से बच सकते हैं। जो भी वेबसाइट खोलें उसमें ध्यान से देखें कि वो HTTPS से शुरू हो रही है। ऐसे सिक्योर साइट का प्रतीक चिन्ह है। ध्यान रखें ब्राउजर विंडो में पैडलॉक लगा हो जब भी आप किसी पेमेंट साइट पर भुगतान करने जा रहे हो। हमेशा पब्लिक वाईफाई से पैसों की ऑनलाइन लेन देन करने से बचें। हैकर सबसे पहले इन्हीं ग्राहकों को अपना शिकार बनाते हैं। हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट बैंकिंग करें। किसी भी व्यक्ति से अपने खाते व ATM व क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी साझा ना करें। लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों पर बिना पूरी पड़ताल के भरोसा मत कीजिए। अचानक आपका सिम बंद हो जाता है तो किसी भी तरह से फौरन अपने कस्टमर केयर से बात करें और उसका कारण जानकर उचित कार्रवाई पूरी करें। शॉपिंग करते वक्त कार्ड स्वैपिंग के दौरान पूरी सतर्कता बरतें। कार्ड स्वैप मशीन के अलावा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर कार्ड स्वैप न होने दें। उम्मीद है कि आप जरा सी सावधानी बरतते हुए ऑनलाइन पेमेंट ऐप का सही इस्तेमाल कर किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड को रोक सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस जानकारी को अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी को भी कोई नुकसान न उठाना पड़े। अगर आपके साथ भी किसी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या फ्रॉड करने की कोशिश की गई है तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।